अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एन अदर डे एज वेल एज एन अदर व्लॉग। कल मैंने बताया था कि यार हमारा आज अगला एंगेजमेंट का सीन है। सुबह सुबह नींद में उठाया जा साहब ने और जंट ले आए हैं यहाँ आकर, पहले उनका ऑफिशियल वगैरह कराया है और थोड़ा सा खुद भी हल्का फुल्का टच टुच करा दिया। गाड़ी यहाँ पर लाई हुई है तो हमने बोला यार चलो जंट आए हैं तो यहाँ से इसको डेकोरेट भी करा लेते हैं। मतलब इतना ज्यादा डेकोरेट नहीं कराना, सिंपल सा जो होता है ना वही कराते हैं। तो डेकोरेशन करा के फिर यहाँ से चलते हैं फिर गाँव वापस, क्योंकि 12 बजे हमने निकलना है। नाश्ता शाश्ता भी कोई नहीं किया हुआ तो यहाँ से रास्ते से नाश्ता भी करते हैं। A few moments later. यहाँ पर रुके हैं दूल्हे भाई का, वहां पर फोटो शूट हो रहे हैं, बाकी गाड़ियां तो सारी आके चली गई हैं। वो आप चेक करें, सही कैमरा मैन हायर करें और बहुत अच्छा सा फोटो शॉट हो। और यहाँ पर ये A few moments later. क्यों कैफ साहब बहुत गंदी गाड़ी चलाने भाई, क्यों चल सही की नहीं है? तो यकीन मान ना ड्रिफ्ट मार के लाई उस पाला तो सामने से। ये तो मैं पहले मैं ही गल ना पहले दसी मैं कह कैफ लाना क्या सरत पहले ही गल कर सी। हम अपने ब्लैक डाले का इंतजार कर रहे थे, हमारे कैमरामैन भाई सारे यहीं बैठे हुए हैं। सभी भाई इसमें क्या हाल है, कैसे सफर गुजरा आपका? जैसा आप ये है ना आपको डाले पे बिठाते हैं। चलिए की गाड़ी में बैठने का एक फायदा होता है कि जो सारे कैमरामैन हैं सबका कैमरा हमारी तरह ही होता है। मिनटें करके पिक्चर वीडियो बनाते थे, आज खुद ही सारे बनाई जा रहे। खाना शाना खा लिया, इसके पास 2 रुपए। अच्छा इधर साइड पे वो गाड़ी आ रही है, इधर इधर साइड पे 2 रुपए, आपके पास 30 रुपए। अच्छा आइसक्रीम कितने की है? मेरे पास 20 रुपए। मैं हमारे पास 100 की है आइसक्रीम, 100 की है आइसक्रीम, 100 की है। और आपके पास कितने हैं? मेरे पास 20 है। जाओ फिर मम्मा से लेकर आओ ना, ले देता हूँ। इधर कौन सी आइसक्रीम लेनी है? इधर कौन सी? इस तरह नहीं उतारते नोशी, इसको पहले इधर ऊपर से ये इस तरह ये से हटाओ ऊपर से इसको, इसके इस तरह। चलो बस ये खाना नीचे गिराना नहीं है। अच्छा मैंने बस ठीक है, बाहर अब तुम लोग नहीं आना, सही है। A few minutes later. वहाँ से फ्री होकर हम शहर में आ चुके हैं, बाकी सारी गाड़ियाँ तो चली गई हैं, यहाँ हमारी गाड़ी है। हमारे दूल्हे भैया कहते हैं कि यहाँ पर जाते जाते फिर कब आना है, तो सारे इकट्ठे हैं, बाकी सारी बारात चली गई है, बस सिर्फ ये 2 गाड़ियाँ हैं ये हमारे कंट्रोल में है। तो बस अभी यहाँ पर रुके हैं, बिलो की चाट एंजॉय करते हैं फिर आगे चलते हैं। Five hours later. पूरा दिन का सफर करने के बाद हम अपने गांव में पहुंच चुके हैं। हाय 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 यार, इसकी पीछे बत्तियां चेक करो, इतनी चस्क कराती है ना यार, ये पीछे लग रही होती है। बहुत मजा लिया यार इन 2 गाड़ियों का इन 2 दिनों में। अंधेरे की वजह से वैसी लुक नहीं आ रही, मगर ये गाड़ी कल से हमारे पास है और पीछे पीछे गाड़ी ये दूल्हे जो भाई है उन्हें शौक चढ़ा हुआ है कि गाड़ी चलानी है, फॉर्च्यूनर का मजा लेना है। तो ये हमारे अभी भी दूल्हे भाई गाड़ी चलाने लगे हैं। अब्दुर्रहमान जी जी फिर पढ़ गई थी पिछले बस उसे बढ़ना है पिछले बस।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾਣ ਤੇ ਕਲਾਸ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰੇ ਸੋਹਣੀਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮੇ ਸੁਬੋ ਜਾਮ ਕਰੇ ਸੋਹਣੀਏ अभी अभी जस्ट घर पहुंचे थे यार, मैं कसम से नींद से पागल हो रहा हूँ। सुबह मैं 6:30 बजे का उठा हुआ हूँ और अभी कल मुझे फिर सुबह 6:30 वाली ट्रेन पकड़नी है, मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकलना है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है यार, तुम लोग साइड पे हो जाओ, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, कोनो टिकटॉकर्स तो नहीं हो यार। इंशाल्लाह नेक्स्ट इस व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, गार्ड के रख दो सब्सक्राइब वाला बटन। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू।